अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को साड़ी के अंदर छोटे बच्चों के गरारे कट करके बताऊंगी। कुर्ती के साथ हम गरारे कट करेंगे। इस साड़ी की जो लेस है साइड में, ये लेस हमने इस तरह निकाल कर रख ली है। पहले हम कुर्ती कट करेंगे पल्लों के अंदर। देखिए, इस साड़ी में अस्तर के लिए हमने 4 मीटर कपड़ा लिया हुआ है पॉलिस्टर का, जो हमें अस्तर लगाना है। तो पहले हम अस्तर पे कट करेंगे कुर्ती को। अस्तर पर हम 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे खड़ी तार में। कपड़े को बिछाने से पहले हम दामन का साइज ले लेंगे कि ये दामन कितने इंच का है, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा दामन का होता है। तो हम 4 फोल्ड कपड़ा जब बिछाते हैं तो दामन का साइज हम इसे इस तरह फोल्ड करके बिछाते हैं, इसलिए ये साइज पहले हम लेंगे। देखिए, ये हमारा दामन 16 इंच का है। तो जब हम 16 इंच को आधा करते हैं तो ये 8 इंच हो जाता है। इस तरह मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है कपड़े को। अब हम इसी कपड़े को, 2 फोल्ड किए हुए कपड़े को, इस तरह 4 फोल्ड बना देंगे। देखिए, इस तरह हमारा 8 इंच आ रहा है। लेकिन हमारा जो मार्जिंग होता है, जिसे हम चौक सीते हैं, तो वो कपड़ा हमें कम पड़ रहा है। इसके लिए हम इस तरह नहीं रखते हुए इस तरह कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह कपड़े को फोल्ड करके लंबाई के अकॉर्डिंग ले लेंगे। देखिए, हमारी कुर्ती की लंबाई है 29 इंचेस। तो जो 29 इंचेस है, यहाँ पर हम इतने ही कपड़े को फोल्ड कर देंगे। इस तरह कपड़े को हम 29 इंच तक फोल्ड करके बिछा लेंगे। 4 फोल्ड हमारा कपड़ा होना चाहिए। देखिए, इस तरह हम 29 इंचेस पर कपड़ा कट कर लेंगे। ये 29 इंचेस है, तो इस तरह हम इतना कपड़ा यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए, अभी हमारा 4 फोल्ड हो चुका है। इस तरह ये 4 फोल्ड हो चुका है। नीचे जो हमारा ओपन है, वो साइड हम दामन डालेंगे, और जो हमारा यहाँ पर फोल्ड है, यहाँ पर शोल्डर डालेंगे। तो पहले हम कुर्ती से माप लेंगे। देखिए, इसका शोल्डर का साइज लेंगे हम। इस तरह शोल्डर पे टेप रखते हुए हम यहाँ तक लेंगे। ये हमारा शोल्डर है 11 इंच। तो शोल्डर को हम हाफ करते हैं। 11 का हाफ होता है 5.5 इंच। तो ऊपर की तरफ हम इस तरह रखते हुए टेप को 5.5 इंच का निशान बना लेंगे इस तरह, और ऊपर की तरफ हम इस तरह शोल्डर पर लकीर बना लेंगे टेप से। देखिए, इस तरह 5.5 इंच पर हमने शोल्डर का निशान बना लिया है। अब हम बगल यानी कि आरमोल मापेंगे। शोल्डर के पास से जब हम आरमोल मापेंगे, तो ये जो कोना है, यहाँ से हम मापेंगे इस आरमोल को, तो ये हमारा 5 इंचेस आएगा। तो 5 इंचेस को भी हम इस तरह खड़ी रखते हुए निशान बना लेंगे। देखिए, इस तरह यहाँ से हम 5 इंचेस तक बनाएंगे निशान को। इस तरह निशान हम लंबाई में ले लेंगे। देखिए, ये हमारा आरमोल का निशान हो चुका है। अब हम चेस्ट का निशान लेंगे। चेस्ट को इस तरह हम बगल पर रखते हैं टेप को, यानी कि बगल के नीचे, और इस तरह रखते हुए यहाँ पर मापते हैं। देखिए, चेस्ट हमारी कुर्ती का है 13 इंचेस। तो हम चौड़ाई को आधा करते हैं। तो इस ये जो 13 इंच है, इसका हम आधा करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। तो इस 6.5 इंच को हम चेस्ट के निशान पर रखते हुए निशान बना लेंगे। इस तरह हम यहाँ पर भी लकीर बना लेंगे। ये हमारा चेस्ट का निशान हो गया है। अब हम कमर की लंबाई लेंगे। शोल्डर पर टेप रखते हुए इस तरह कमर की लंबाई लेंगे। देखिए, इस बच्ची की कमर है 10 से 11 के बीच में आती है। आप कमर की लंबाई देखने का तरीका और एक है। ये जो हमारा चौक है, जो ओपन है, इस चौक के और इस बगल के बीच में भी हम इस तरह देखते हैं। तो हम इसे 10 इंच पर ले लेंगे कमर की लंबाई को। तो यहाँ से हम टेप शोल्डर से रखते हुए 10 इंच तक एक निशान बना लेंगे, जो कि कमर की लंबाई का है। ये हो गई हमारी कमर की लंबाई। अब हम इस पर कुर्ती से कमर की चौड़ाई ले लेंगे। देखिए, इस तरह हम कमर की चौड़ाई लेंगे। कमर है हमारी 12 इंचेस। थोड़ी लूज है ये कमर, इसलिए हम 11 इंचेस भी ले सकते हैं। इसे 11 का हाफ करते हुए हम 5.5 लेंगे। इसे जो हमने 10 इंच पर नंबर रखा हुआ था, वहाँ पर हम 5.5 इंचेस ले लेंगे। इस तरह ये हमारी कमर की चौड़ाई हो गई।
अब हम चौकों की लंबाई का निशान लगाएंगे। फिर से दोबारा हम कुर्ती को इस तरह रखेंगे और शोल्डर पर टेप रखते हुए चौकों की लंबाई मापेंगे। देखिए इस तरह हमारे चौक यहाँ से 15.5 इंच पर है, जो ओपन हिस्सा है हमारा यहाँ पर 15.5। तो इसी तरह हम शोल्डर पर से टेप रखते हुए 15.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमारी चौकों की लंबाई हो गई। अब हम कुर्ती पर से चौक की चौड़ाई बताएंगे। देखिए चौक की चौड़ाई है हमारी 14 इंचेस, तो इसका भी हम हाफ करते हुए 7 इंचेस ले लेंगे। तो इस तरह हम ये जो हमने चौक का निशान लगाया हुआ था यहाँ पर चौक की लंबाई का, वहाँ पर 7 इंचेस ले लेंगे और इधर प्लस का निशान डालेंगे इस तरह। अब हम इन तीनों निशानों को पहले मिला लेंगे। इसके लिए टेप की मदद से इसे हम मिलाएंगे। अब हम दामन का निशान लेंगे। देखिए दामन हमारा 16 इंच था, 16 का आधा 8 इंच, तो 8 इंच पर भी हम एक निशान ले लेंगे। अब इस चौक के निशान को इस निशान से टेप के जरिए मिलाएंगे। अब हम मार्जिंग ले लेंगे। देखिए ऊपर हम 1.5 इंच मार्जिंग लगाएंगे, नीचे भी हम 1.5 इंच मार्जिंग लगाएंगे और यहाँ पर हम 1 इंच मार्जिंग लगाएंगे। नीचे की तरफ भी हम 1 इंच मार्जिंग लगाएंगे। अब इन सब निशानों को भी हम बिल्कुल अंदर की तरह मिला लेंगे। देखिए इस तरह हमने इसे मिला लिया है। अब हम आर्मोल का बताएंगे। देखिए बगल में हम इस तरह जो कॉर्नर का हिस्सा है यहाँ पर 1 इंच का टेप रखेंगे और इस कोने में टिक करेंगे और इसे राउंड करते हुए हम बगल का निशान बनाएंगे। अब हम इस कुर्ती को कट कर लेंगे, जो हमने निशान डाला है बाहर बाहर से हम इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने इसे इस कुर्ती को कट कर लिया है। अब हम कट लगाएंगे इसमें, यानी कि बारीक निशान कटिंग का, ताकि हमें सिलाई में आसानी हो जाए। ये कमर में शेप बनाने के लिए और यहाँ पर चौकों में दोनों चौक एक बराबर में आने के लिए। तो इस तरह हम ये कट कर चुके हैं। अब हम साड़ी के पल्लों में इस अस्तर को रखते हुए कट करेंगे। साड़ी के पल्लों को भी हम 4 पदर बिछा लेंगे। देखिए इस तरह हमने 2 फोल्ड कर दिया है कपड़े को। अब हम इसे फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड। दामन के 8 इंच और एक मार्जिंग हम 9 इंच का कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इस पर अस्तर को बिछा लेंगे हम। देखिए इस तरह हमने अस्तर को बिछा लिया है। अब हम नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस साड़ी के पल्लों को कट कर लेंगे 2 इंच। देखिए 2 इंच हम साड़ी के कपड़े को लंबा रखेंगे क्योंकि अस्तर छोटा होता है। और इस तरह हम निशान डालते हुए सेम इसी अस्तर को रखते हुए इसे भी कट कर लेंगे हम और इसे यहाँ से इस तरह मिला लेंगे हम। अब जिस तरह हमने अस्तर को कट किया था उसी तरह साड़ी के कपड़े को भी सिर्फ 2 इंच लंबा लेते हुए कट कर लेंगे। देखिए इस तरह ऊपर का भी हिस्सा हम कट कर लेंगे शोल्डर के पास से। इस तरह हमने कुर्ती 2 इंच लंबी कट कर ली है साड़ी के कपड़े पर। अब हम इसके आस्तीन बताएंगे। देखिए आस्तीन की लंबाई हम इस तरह 14 इंच माप लेंगे और आस्तीन की चौड़ाई भी हम इस तरह नीचे की तरफ रखते हुए ले लेंगे। देखिए ये 3.5 है चौड़ाई और लंबाई 14 इंच है, लेकिन हम इसमें बेल आस्तीन रखेंगे तो आधा हिस्सा हम पहले लंबाई का ले लेंगे। देखिए ये जितना आस्तीन है इसमें से हम कोनी तक 7 इंच के पहले आस्तीन कट करेंगे, उसके बाद बचे हुए कपड़े में हम नीचे राउंड आस्तीन यानी फ्रिल आस्तीन कट करेंगे, यानी जो मैं बेल बोलती हूँ वो। तो पहले हम 7 इंच के आस्तीन कट करेंगे और 7 इंच पे जितनी चौड़ाई आ रही है उतनी चौड़ाई ले लेंगे। 7 इंच पे देखिए 4.5 इंच की चौड़ाई आ रही है और लंबाई 7 इंच की। तो इस तरह पहले हम अस्तर कट कर लेंगे। देखिए ये जो कपड़ा बचा हुआ था साइड में से, इसमें से पहले हम 7 इंच के आस्तीन कट कर लेंगे।
तो पहले मैं यहाँ पर लंबाई ले लूँगी 7 इंच। देखिए ये हमारी लंबाई 7 और आधा इंच मार्जिन डालकर 7.5 इंच आ रही है, तो इसे हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी लंबाई है। अब हम चौड़ाई लेंगे 4.5 इंच। 4.5 में हम 1.5 इंच माया डालने पर 6 इंच का निशान ले लेंगे। देखिए इसे 6 इंच का निशान ले लेंगे हम। ये हमारी चौड़ाई हो गई। अब हम वापस लंबाई के निशान पर रखते हुए 2.5 इंच की एक लकीर खींच लेंगे इस तरह। 2.5 इंच का निशान खींच लेंगे इस तरह। अब हम जो कुर्ती कट करे थे अस्तर की, उसका बगल मापेंगे। देखिए बगल इस तरह राउंड टेप को रखते हुए हम निशान इसका माप लेंगे। ये 7 इंचेस है, 7 इंचेस। तो अब हम यहाँ पर टेप को क्रॉस रखते हुए 7 इंचेस ले लेंगे। इस तरह हम निशान बना लेंगे टेप को क्रॉस में। अब हम इस निशान से इस निशान को 6 इंच के निशान को मिला लेंगे। ये हमारे कोनी तक के आस्तीन हो रहे हैं। अब हम इसमें शेप बना लेंगे। थोड़ा हम ऊपर से सीधा रखते हुए शेप बनाएंगे। अब हम इस आस्तीन को कट कर लेंगे। ये देखिए हम इसे कट कर लेंगे। देखिए हमने आस्तीन कट कर लिया है। अब हम साड़ी पर रखते हुए सेम इसी तरह कट कर लेंगे। देखिए इस तरह हम 4 पदर साड़ी को रखते हुए ये आस्तीन कट कर लेंगे। इस आस्तीन को हम प्लेन कपड़ा लगाएंगे। इसके लिए हम 4 फोल्ड करके कट कर लेंगे। देखिए हमने अस्तर को रखते हुए आस्तीन को भी कट कर लिया है। ये हमारा कुर्ती कट हो चुकी है। अब हम गरारे का साइज बताएंगे। आस्तीन कट होने के बाद हम इसका फ्रिल निकालेंगे नीचे का। इसे हमने 2 फोल्ड रख लिया है इस तरह कपड़े को। अब हम यहाँ से कपड़े को उठाते हुए इस तरह क्रॉस करते हुए रखेंगे इसे, अम्ब्रेला फ्रॉक की तरह। देखिए इस तरह हमने इसे अम्ब्रेला फ्रॉक की तरह रख लिया है। अब हमारे आस्तीन का साइज लेते हुए हम कट करेंगे इसे फ्रिल। देखिए इस तरह हमने आस्तीन को कोनी तक कट किया हुआ था। अब जो नीचे का हिस्सा बच रहा है उसे हम फ्रिल में लेंगे। देखिए नीचे हमारा 6 इंच आ रहा है, तो हम 6 में मार्जिंग लगाते हुए 7 से 8 इंच ले सकते हैं, तो हम 7 से 8 इंच ले लेंगे। तो ये जो हमारा आस्तीन कट किया है हमने, उसे हम इधर कॉर्नर पर उठा के रख देंगे इस तरह, और यहाँ पर निशान बना लेंगे, चौक से निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम टेप से 6 में 1 माया मिलाते हुए 7 ले लेंगे। इस तरह 7-7 इंच पर गोल टेप रखते हुए हम निशान बनाएंगे। इस तरह हम 7-7 इंच पर राउंड पूरा निशान बना लेंगे, जिस तरह हम अम्ब्रेला फ्रॉक का निशान बनाते हैं। ये हमारा 3/4 आस्तीन है, और इस तरह हम निशान बना रहे हैं यहाँ पर। और निशान बनाने के बाद इसे कट कर लेंगे। ये हमारी नीचे फ्रिल है, जो हमें घेरा बेल आस्तीन की तरह लेना है। इसे फ्रिल आस्तीन भी कहा जाता है और बेल आस्तीन भी कहा जाता है। देखिए इस तरह हमें इस राउंड को कट कर लिया अम्ब्रेला घेरे की तरह। और ये ऊपर का हिस्सा है, और जो ये फोल्ड है इसे भी हम कट करेंगे। ये हमारी फ्रिल कट हो चुकी है आस्तीन की। देखिए हम गल्लों का साइज लेकर गले कट करेंगे। इसके चौड़ाई इस तरह मापते हैं हम। देखिए ये जो सेंटर की चौड़ाई है ये 5 इंच है। इसका आधा करने पर 2.5 आती है, लेकिन ये सिया हुआ गला है और हमें सिलाई करनी है, तो हम 2.5 नहीं लेके चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे। तो 2 इस तरह हम चौड़ाई में 2 इंच लगा लेंगे निशान। 2 इंच पर इस तरह चौड़ाई का निशान लगाएंगे। ये हमारा चौड़ाई 2 इंच आगे पीछे दोनों की हो गई। अब हम लंबाई मापेंगे इस तरह टेप को सीधा रखते हुए। देखिए इस तरह रखते हुए टेप को सीधा रखने पर ये 3.5 है, तो हम 4 इंच लेंगे, क्योंकि शोल्डर में कपड़ा दबता है। तो इसकी लंबाई हम 4 इंच ले लेंगे इस तरह। 4 इंच पर हम लंबाई निशान बना लेंगे। चौड़ाई में भी 2 इंच लेंगे, और इसे हम बॉक्स तैयार कर लेंगे चौक की मदद से। इस तरह हम बॉक्स बना लिए। अब हम इसे राउंड करेंगे यहाँ पर।
राउंड नेक लेंगे। आप चाहे तो डिज़ाइन का भी ले सकते हैं, लेकिन हम राउंड नेक कट कर रहे हैं। इसे अब हम कट कर लेंगे। फ्रंट का नेक हो चुका है। पीछे के गले की भी चौड़ाई हम 2 इंच लेंगे और लंबाई 3.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि पीछे का गला सामने के गले से 0.5 इंच या 1 इंच कम होता है। तो इस तरह हम चौड़ाई में 2 इंच और लंबाई में 3.5 इंच लेकर इसे भी बॉक्स बनाते हुए राउंड कट कर देंगे। यह हमारा बैक साइड का नेक हो चुका है। तो इस तरह हम इसे रखते हुए साड़ी के कपड़े पर भी कट कर लेंगे। ये कुर्ती का वीडियो है। अब हम गरारा कट करेंगे। यह हमारा गरारा है। इसका साइज हमने नोटबुक में नोट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग बताएंगे। देखिए, इसे हमने 2 फोल्ड करके बिछा लिया है कपड़े को। पहले हम अस्तर कट करेंगे। यह हमारा अस्तर है। अब हम यहाँ पर टेप रखते हुए देखिए 19 से 20 इंच लेंगे हम। ये अस्तर है तो ये इस पर हम 20 पर निशान लगा लेंगे। देखिए, हमारा अस्तर छोटा होता है अस्तर, इसके लिए हम इसमें से घेरे की लंबाई हमारी 14 इंच है, लेकिन हम इसमें 12 इंच का बॉक्स बनाएंगे। पहले हम जो पैरों में पहनते हैं, नीचे चून आती है, वो घेरा कट कर रहे हैं, तो हम इस टेप को हटाते हुए 12 इंचेस ले लेंगे। इस तरह टेप को हटाते हुए 12 इंचेस का पूरा बॉक्स बना लेंगे, 19 इंच तक, 20 इंच तक। इस तरह हमने मिला लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये 2 फोल्ड कपड़ा पैरों में चून आने का है। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है, यानी कि गरारा जो हमारा ये था, ये हिस्सा हमारा अस्तर का कट हो चुका है। ये अस्तर हमने कट कर लिया है। अब हम इसे साड़ी पर रखते हुए ये कट कर लेंगे। अस्तर को रखते हुए देखिए, इसको हमने साड़ी पर रख लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये फोल्ड साइड होगा हमारा, ये एक पैर का हिस्सा हो गया। बिल्कुल इसी तरह हम दूसरा हिस्सा भी कट करेंगे, जिस तरह हमने ये 2 फोल्ड रखा हुआ है और ये साड़ी के कपड़े को भी 2 फोल्ड रखा हुआ है, उसी तरह हम और एक हिस्सा इसी तरह कट करेंगे। देखिए, ये एक हिस्सा हो गया और ये दूसरा हिस्सा हो गया। तो इस तरह पैर में चून आती है हमारी। देखिए, इस तरह चून लेने पर ये एक पैर का हिस्सा होता है और ये दूसरे पैर का हिस्सा हो जाता है। तो साड़ी में पीछे की तरफ प्लेन है, तो जब हम इसकी सिलाई करते हैं तो ये चमक हमारी सामने आनी चाहिए, इसका ख्याल रखेंगे हम। तो नीचे का घेरा हमारा कट हो चुका है। अब हम ऊपर का हिस्सा बताएंगे। देखिए, ये 2 फोल्ड कपड़ा है। ऊपर का घेरा कट करने के लिए हमें 4 फोल्ड करना चाहिए। तो इस तरह हम 10 इंच का कपड़ा 4 फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह हमने 10 इंच कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से कट कर लेंगे कपड़े को। देखिए, इस तरह 10 इंच का कपड़ा हमारा कट हो चुका है। अब घुटने के ऊपर की जो लंबाई है वो देखिए, इस तरह हम टेप रखेंगे लंबाई का, और घुटने की लंबाई है हमारी 13 इंचेस घुटने की लंबाई है। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर नेफा बोलना है। तो ये हमारी टोटल लंबाई हो गई 15.5 इंचेस। ये नेफा हम किनारे की तरफ लेंगे, ये किनारा है, तो यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे। ये नेफे की लकीर हो चुकी है। अब हम घुटने की चौड़ाई ले लेंगे। पहले घुटना हमारा 7 इंच रेडी है, तो घुटने की चौड़ाई हमारी 7 इंच रेडी, एक निशान बना लेंगे हम, और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, यानी कि टोटल हमारा 8.5 इंच होना चाहिए। तो इस पर हम निशान लगा लेंगे। ये हमारी घुटने की चौड़ाई हो चुकी है। अब हम ऊपर की चौड़ाई लेंगे 9 इंच। ऊपर की चौड़ाई लेंगे हम 9 इंच, और किस तक हमारी रेडी है 10 इंच। देखिए, किस तक हमारी 10 इंच है, तो हम 2 इंच बढ़ा कर लेंगे, 12 इंच लेंगे। पहले हमने यहाँ पर नेफा बताया था, लेकिन हम यहाँ पर नेफा नहीं लगा रहे हैं। नेफा हमारा ये ओपन साइड की तरफ है इस तरह। तो यहाँ से हमारी किस तक रेडी 10 इंच है, तो 2 इंच माया मिलाकर हम 12 इंच की एक लकीर बना लेंगे।
अब ये जो हमारा किस्तक का निशान रुका है, यहाँ से हम पूरे कपड़े का निशान ले लेंगे, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ऊपर हमने 9 इंच लिया हुआ है और नीचे 11 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर बगल की तरह राउंड कर लेंगे। अब इस घुटने की चौड़ाई से इस हिस्से को, किस्तक के हिस्से को मिला लेंगे। हमने इसमें रुमाली नहीं लगाना है, इसलिए हम इस तरह राउंड कर रहे हैं। देखिए, मैं इसे फिर से बता रही हूँ, ये हमारी लंबाई हो चुकी है नेफे की माये को मिलाते हुए। ये पूरी घुटने के ऊपर की लंबाई हो चुकी है और ये हमारी चौड़ाई हो चुकी है। चौड़ाई का निशान हमने ले लिया है और ये हमारा किस्तक का निशान है माया मिलाते हुए। और नीचे हमारा यहाँ घुटने का निशान है 8.5 इंच और यहाँ पर राउंड करते हुए इससे हमने घुटने को मिला लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। अब ये जो फोल्ड कपड़ा है इसे हम ओपन कर लेंगे, यानी कि कैंची की मदद से कट कर लेंगे इसे। देखिए, इसे ओपन करने के बाद ये इस तरह हो चुका है। तो ये जो है हमारा, ये घुटने पर आएगा और ये नेफा है हमारा। अब हम इसे साड़ी पर रखते हुए बिल्कुल इसी तरह कट कर लेंगे। देखिए, हमने साड़ी को भी 4 फोल्ड करके इस तरह रख लिया है और ये जो ऊपर का हिस्सा है उसे हमने हिप के पास के हिस्से को इस तरह निशान बना लिया है। अब हम इसे साड़ी के जैसा सेम कट कर लेंगे, जिस तरह हमने अस्तर कट किया हुआ था उसी तरह इसे भी कट कर लेंगे। ये हमारा साड़ी का फोल्ड साइड है, तो दोनों पैरों का हिस्सा हमारा निकल जाएगा। देखिए, छोटा गरारा कट करने के बाद उसी तरह हमने इसे 4-4 इंच बढ़कर बड़े गरारे को भी कट कर लिया है। ये यहाँ पर हमें चुन लेना है, पैरों में बारीक बारीक प्लेट लेना है, ये इसका हिस्सा है। तो इस तरह हमारा दूसरा गरारा भी कट हो चुका है। तो ये हमारे गरारे की कटिंग थी। एक साड़ी में हमने 2 गरारे कट कर लिए हैं और 2 इसकी कुर्ती कट कर ली है। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।